हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ डीजे विजन एक्स और आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मैं सिखाने जा रहा हूँ कि कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं। सब ये सबसे आसान तरीका है ना, जहाँ कि आपको कोई भी म्यूजिक थ्योरी कुछ भी नहीं चाहिए, आप कॉर्ड्स बना सकते हैं आसानी से, वो भी 2 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो प्लगइन यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है पिचर, जो कि एफएल स्टूडियो में डिफ़ॉल्ट से आता है। सबका एफएल स्टूडियो में है ये, आप चाहे देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं मिक्सर चैनल पे, मिक्सर चैनल पे जाके पिचर को इंपोर्ट करते हैं। आप चाहे कोई भी यहाँ से कोई भी चैनल चूज कर लीजिए और वहाँ पे जाके मिक्सर पे पिचर को डाल दीजिए। यहाँ पे मेरा पिचर है और मैं इसे डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तो आपका पिचर आ गया है। अब यहाँ पे आपको ये क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आप कोई भी जैसे कि यहाँ पे गए पिक्चर ट्रैक पर गए, यहाँ पे जैसे कुछ भी प्रेस करेंगे तो चला जाएगा पिक्चर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और जाके यहाँ से डिटैच कर देना है इसको। अब ये देखिए नहीं जाएगा, ये अब टॉप पे ही रहेगा। चलिए फिर से पिक्चर को हम लोग यहाँ से, अब जैसे कि अब यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आपका सॉन्ग कौन सा है। जैसे कि आपका सॉन्ग जी माइनर में है, जी माइनर में है तो चलिए यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जी और यहाँ पे माइनर ऑलरेडी है। मेजर भी हो सकता है तो मेजर से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए सपोज़ के लिए हमारा सॉन्ग माइनर में, बस माइनर में हमारा ये की आता है। और आप लोग चाहे तो एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके सैम्पलर ले सकते हैं और वो सैम्पलर में ये सारा जो नोट्स है इसे डाल सकते हैं, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये सी है इसमें सी डी और डी शार्प यहाँ पे आ गया, एफ जी ए एस आर इतना की है हमारा जी माइनर में। तो चलिए इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सी से स्टार्ट किया था हम लोग ने, इसलिए फिर से सी में पेस्ट भी सी पे ही करना है ताकि सेम दिखे। और फिर से इसे रिपीट करते जाइएगा। चलिए और यहाँ पे एक और कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा की जी माइनर का। चलिए एफ एल कीज खोल लेते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग अब कॉर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये हो गया हमारा पियानो रोल। अब यहाँ पे देखिए आपका सॉन्ग जी माइनर में था तो इसलिए आप स्टार्ट भी जी से करेंगे। चलिए ये हमारा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये हम साइड कर लेते हैं। ये देखिए जी हो गया। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, कॉर्ड्स बनाते वक्त आपको जब भी एक नोट स्किप करना है जो कि वो कॉर्ड में होगा, जैसे कि जी हो गया और ये हाइलाइटेड एस ए माइनर है, ए जी और ए को छोड़ के एक ऊपर ये हो गया ए शार्प और फिर से ये सी को छोड़ के डी, ये हो गया हमारा एक कॉर्ड, थ्री कॉर्ड मतलब थ्री की का एक कॉर्ड और एक छोड़ के, मतलब एक यहाँ पे हुआ थ्री और फाइव, 1 3 5 का हमारा कॉर्ड है, ये हो गया माइनर कॉर्ड। और यहाँ पे हम जाएंगे और फिर से एक नीचे कर देंगे अभी, तो आ गया ये देखिए जहाँ पे हमारा आउट ऑफ की है, ये एक ऊपर कर लेंगे तो देखिए एक फिर से छूट गया, तो ये फिर से हो गया हमारा दूसरा कॉर्ड। और ये फिर अब दूसरा देखिए फिर से वही रिपीट कीजिएगा, और ये तो हमारा ऑलरेडी की में है और स्केल पे है सॉरी। और यहाँ फिर आ गया ये कर लेते हैं। अब इसको सुन के देखते हैं कैसा साउंड करता है। ये होगा हमारा माइनर कॉर्ड। सपोज आपको मेजर कॉर्ड बनाना था और मेजर कॉर्ड कैसे बनाएं, इसके लिए आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लीजिए मेजर को, जैसे कि मैंने कर लिया तो फिर आपका ये चेंज हो गया। अब जो हाईलाइटेड है उसी को आपको यहाँ पे जाके करना, यहाँ पे वही कीज़ को लेना है, वो इसकी जो स्केल पे है वही पे लेके जो कीज़ दिखा दे रहा है वहीं पे सैम्पलर पे जा कर लीजिएगा। और फिलहाल मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो सिर्फ यहीं से देख लेता हूँ वो। और यहाँ पे जाके आपको जी, क्योंकि जी मेजर पे है तो यहाँ पे आपका हो और एक छोड़ देना है, एक को छूट गया छोड़ दिया तो आया बी, और फिर एक छोड़ देना है सी छोड़ के डी आ गया।
तो फिर यहाँ पे जाइएगा। अब दूसरा नीचे कर लीजिएगा थोड़ा। अब देखिए ई है क्या स्केल पे, हाँ है, तो ई और एफ शार्प छोड़ के जी, जी जहाँ यहाँ पे जी शार्प है इसको काट जी बना दीजिएगा। ई एफ शार्प छोड़ दिए हम लोग और फिर जी लीजिए, जी लिए और फिर ए को छोड़ के बी लेना है जो कि हमारे पास है। चलिए इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं कुछ अलग। चलिए ए है क्या कॉर्ड में, स्केल में है, और ए ले, अब हम लोग ने ए ले लिया और उसके बाद बी को छोड़ देना है, सी लेना है, डी को छोड़ देना है, ई लेना है जो कि है ऑलरेडी। उसके बाद चलिए फिर से नीचे चलते हैं, इसका डी, डी भी है स्केल में, ई डी ले, अगर हमने डी लिया तो ई को छोड़ना है, ई छोड़ लिया तो आया एक छोड़ना है, डी लिए एक छोड़ा, ई छोड़ दिया, एफ शार्प एफ शार्प और जी छोड़ा ए जो कि ऑलरेडी है। चलिए सुन के बढ़िया बधाई हो, आपने कॉर्ड बनाना सीख लिया वो भी आसानी से। थैंक्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।